बहुत ज़्यादा पानी था यार पूरा। एक बाहर का बहुत दिखा लिया, थोड़ा सा होम डिस्ट्रिक्ट दिखाया जाए आप लोगों को। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एसएम ब्लॉग्स। और आज डेट हो गई है तो ये 21 अगस्त 2021। और ये प्लीज़ पीछे ये जो भी आपको शोर सुनाई दे रहा है इंडिया टुडे आज तक, इनका प्लीज़ ध्यान ना दें, क्योंकि मैं हूँ ऐसी जगह पर। मैं एक्चुअली मैं बाइक की सर्विस कराने के लिए आया था और आपको पता था कि मेरा अलॉय जो बैंड हो गया था उसमें प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली मैं यहाँ पर आया तो ये बोल रहे हैं कि यार उसका जो है ना क्लेम नहीं हो पाएगा, इंश्योरेंस की प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मैंने बोला है कि यार देख लो कुछ फिगर आउट करके, बाकी का तब तक सर्विसिंग करवा रहे हैं। अभी मैं हूँ अपने होम डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद में और सर्विसिंग करवाते हैं, फिर चलते हैं थोड़ा बाहर घूमेंगे। आपको थोड़ा बहुत फरुखाबाद दिखाएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे है फरुखाबाद के अंदर। सर्विसिंग इज़ डन, अभी जो है चलो आपको दिखाने का मौका आ गया फरुखाबाद अपना होम डिस्ट्रिक्ट, कुछ तो दिखाया जाए यहाँ के बारे में। बाहर का बहुत दिखा लिया, थोड़ा सा होम डिस्ट्रिक्ट दिखाया जाए आप लोगों को। तो अभी यहाँ से सर्विसिंग अभी पॉलिश होनी बाकी रह गई, पॉलिश होकर के फिर हम निकलेंगे, फिर धीरे धीरे चीज़ें हम दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। आपका होंडा का शोरूम है, चलो जी ऑल सेट टू गो, लेट्स गो। दिस इज़ वॉइस ओवर टाइम। तो भैया क्योंकि बात ये थी कि यार मेरे पास ईयरफोन नहीं थे जिससे मैं वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। सो बेसिकली अभी मैं आ रहा हूँ फतेहगढ़ की साइड से। ये मेन वन ऑफ दी मेन रोड है जो कि फरुखाबाद को अदर सिटीज़ से कनेक्ट करती है। ये वाली रोड कनेक्ट करती है कन्नौज एंड कानपुर, लखनऊ, सो ऑन, मतलब ईस्ट की साइड में जितनी भी सिटीज़ हैं उनसे कनेक्ट करती है ये वाली। और अब हम पहुँच चुके हैं शीतला माता के मंदिर बड़पुर। ये बड़पुर एक्चुअली ये मेन रोड पर पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब मान्यता है इस मंदिर की। बाकी का यहाँ से हम आगे निकलते हैं और आपको फरुखाबाद की एक सबसे यूनिक चीज़ से मिलवाते हैं, दैट इज़ चाट पापड़ी। ये देखो इस तरीके की चाट पापड़ी होती है। इसमें एक्चुअली में ये क्या होता है, ये पापड़ बनाते हैं उसके साथ में टमाटर प्याज अदर सैलेड वगैरह चने वगैरह मिला करके ये मस्त आराम से एक बनाते हैं अच्छा सा चाट। ये वाली चाट एक्चुअली में आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी, ये केवल इसी एरिया में मिलती है फरुखाबाद एटा, बस इसी एरिया मिलते और कहीं आपको नहीं मिलेगी। पपड़िया कैसे रही? दे दो। दिस इज योर बद्री विशाल कॉलेज। ये भाई सब बहुत हद से ज़्यादा ये पुराना है भाई, यहाँ पे एक्चुअली आज एग्ज़ाम हो रहा है भाई देने के लिए आया है, ये लेने के लिए दोबारा आना पड़ा मुझे। एक्चुअली ये जो निकला था ना मोबाइल ऑयल वो वाला है, ये घर पे इंजन में डालने के काम आएगा जैसे चारा खानते हैं, तो इसीलिए घर पे भी काम आ जाएगा। अब चलो अब चलते हैं तुम्हें घुमाते हैं। सबका अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है अब जा करके चलो अब निकलेंगे। चलो आप लोगों को लेकर के चलता हूँ इस शहर की सबसे खूबसूरत चीज़ के पास में, दैट इज़ गंगा नदी, जिसके पूरे किनारे पर ये पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, पूरा का पूरा ये जिला गंगा जी के जस्ट किनारे पर बसा हुआ है। जैसा कि आप लोग मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये गंगा जी हैं। अभी इतना ज़्यादा पानी चढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ से ज़्यादा दिख रहा है, बट जितनी विड्थ में ये गंगा जी यहाँ पर हैं इस एरिया में उस हिसाब से अभी उतना ज़्यादा पानी चढ़ा हुआ नहीं है। सो या ये जितना भी पानी दिख रहा है ना ये सारा का सारा बाढ़ का भरा हुआ है। ये वाले मकान है ना एक दो, इनके जस्ट उस पार में गंगा जी हैं,
अरे काफ़ी दूर तक, दो दो चार चार किलोमीटर दूर तक ये पूरा ऐसा ही ऐसा पानी भरा हुआ। अभी तो चलो बाढ़ कम हो गई है इसलिए कम है। और ओके, तो अभी के लिए मेन चीज़ ये है कि अभी मैं रोड के किनारे खड़ा हूँ, शोर बहुत ज़्यादा आएगा, बट जो एक मेन चीज़ जो दिखानी थी उसकी, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा भाग के आया हूँ, दैट इज़ ये जो गंगा, ये जो नदी है, ये इसे कहते हैं गंगा नदी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट नदी है, जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट नदी है वो है। और इस घाट को कहते हैं घटिया घाट बोलते हैं, मतलब एक्चुअल जो नाम है वो मुझे नहीं पता, बट ऑन इन जनरल ऐसे ही जो बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज, उसको घटिया घाट बोलते हैं। अभी जिस तरह मैं मूव करके खड़ा हूँ उस हिसाब से लेफ्ट साइड में जितने भी वो होते हैं डेड बॉडीज होती हैं जिनको लगाया जाता है वो होता है, राइट साइड में सारा का सारा रहता है आपका जितना भी स्नान वगैरह होता है वो सारी चीज़ें। सो या मेरे को देखना था, बहुत टाइम हो गया था, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे टाइम नहीं है, टाइम काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि टाइम हो गया है 1 बज गया है और मुझे घर भी जाना है, घर से फिर कहीं और भी जाना है, तो इसी वजह से अभी यहाँ से चलेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको दिखाऊँगा जो राजपूताना रेजिमेंट का जो हेडक्वार्टर है, यहाँ का जो कैंट एरिया वो दिखाऊँगा, और अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो सीधा हम रास्ते में फिर घर पर मिलेंगे फटाफट से, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी और दिन दिखाएंगे। फर्रुखाबाद बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी। आई विल शो यू वन बाई वन। बहुत ज़्यादा पानी था यार, पूरा एकदम जूते भीग गए। Hey, what good you guys? It's 4:28 PM and मैं पहुँच गया था, आई गेस 3 बजे तक मैं पहुँच गया था सारा काम कर करा के। और मेरा पता नहीं क्यों, मैं जब फर्रुखाबाद था तब से ही मेरा सर दर्द कर रहा है, जहाँ तक अंदाज़ा है जो मैंने पापड़ी खाई थी उसके बाद से मेरा बेसिकली दर्द होना स्टार्ट हुआ है। सो आई डोंट नो वाई, बट ये वाली आँख और ये वाला पूरा, मतलब सर पूरा एक्चुअली में दर्द कर रहा है। सो जस्ट अभी रेस्ट करेंगे मस्त आराम से खाट डाल के बढ़िया। चलो सोने के बाद मिलता हूँ, लेट्स सी। ये गांव में ये बेस्ट चीज़ होती है भाई, आराम से नीम के पेड़ के नीचे आराम से चारपाई डालो सो जाओ, बढ़िया। गुड नाइट। अचानक से बारिश आने लगी, somebody who loves you, somebody who needs you, somebody who trusts you, takes care of your needs.